भगवान शिव के विष पीने की कथा। शिव जी देवों के देव महादेव कहलाते हैं। शिव का स्वरूप अन्य देवताओं से अलग माना जाता है। शिव जी के कई नाम हैं, शंकर, भोलेनाथ, महेश्वर, शंभु और नीलकंठ आदि के नामों से जानते हैं। पुराणों के अनुसार शिव जी के 108 नाम हैं। भगवान शंकर दयालु स्वभाव के हैं। भोलेनाथ की पूजा से भक्त मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। त्रिशूल भगवान शंकर का अस्त्र है, वैसे अस्त्र संहार का प्रतीक माना जाता है, पर शिवजी का त्रिशूल संहार तीन तरह की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। एक बार जब सृष्टि में महाप्रलय आई थी, तब देवता और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिससे अमृत और अन्य अनमोल चीजों की प्राप्ति हो सके। समुद्र मंथन में विष भी निकला। जिस प्रकार अच्छाई के साथ बुराई भी आती है, उसी प्रकार समुद्र मंथन में अमृत को के साथ साथ विष भी आया था। इस विष का नाम हलाहल विष था। कोई भी देवता और असुर इस विष को पीने के लिए तैयार नहीं था, तब शिव भगवान ने हलाहल विष को पी लिया था। ये विष जैसे ही शिव जी के कंठ पर गया, माँ पार्वती जी ने शंकर जी के गले को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शिव जी का गला नीला पड़ गया था। तब से शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। माँ पार्वती जी ने शिव जी से इस विष को पीने का कारण पूछा। शिव जी ने कहा, अगर इस विष को नहीं पीता तो इस सृष्टि का नाश हो जाता, क्योंकि विष की एक बूंद संपूर्ण सृष्टि को तबाह कर देती। इस प्रकार सावन के महीने में शिवजी जी के विष पीने की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समुद्र मंथन का लक्ष्य समुद्र से अमृत निकालना था। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है तो बुराई भी जरूर होती है। अपने ऊपर बुराई को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई बुराई फैला भी रहा है तो उस बुराई को दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय शिव शंभु। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।